सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन के प्रयासों से विधानसभा क्षेत्र के छपारा विकास खंड के ग्राम दरबई में नवनिर्मित दरबई लघु जलाशय बांध का लोकार्पण किया गया। यह कार्यक्रम ग्राम पंचायत केवलारी के प्रांगण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जल संसाधन विभाग राज्य मंत्री राम किशोर कांवरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस अवसर पर विधायक मुनमुन, जनपद पंचायत सदस्य छपारा सहित गणमान्य नागरिक मौजूद थे। 82 लाख की लागत से निर्मित लघु जलाशय से दरबई और दरबई टोला के किसानों की लगभग 230 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और उनकी पेयजल समस्या का समाधान भी हो जाएगा। लोकार्पण समारोह के पूर्व भाजपा विधायक राय का क्षेत्रीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और फलों से तोला। सिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। चर्चा कर सकते हैं, सही बोला है एमपी और शिकायत आई, पैसा अवैध मांग रहा था, जिसको लेकर मैंने अभी बोला भी, ऊपर भी मैंने अधिकारी उसका यहाँ पर जो एक जे आई था कोई यादव उसपे कार्रवाई हुई। हमारे यहाँ जो एई है वो एई जो छपारा में है उनका भी इसी तरह का चल रहा है। छपारा करल के क्षेत्र के जो किसान है बहुत परेशान है, एक तो कार्यालय में भी नहीं मिलते और इस तरह का ये चल रहा था। चलिए दीजिए, इसकी मेरे को जानकारी आपने दी है, आपके माध्यम से उसमें भी कार्रवाई कराता हूँ और किसान ही मुझे कुछ सूचना या लिखित देंगे तो निश्चित है कि ऐसे अधिकारी नहीं चाहूंगा कि मेरी विधानसभा में रहे और जो अवैध वसूली करें। कुल कितना इलाका सिंचित होगा इससे? 230 हेक्टर के जैसे 250 हेक्टर सिंचाई प्रारंभ हुआ और आज मैं रही विधायक रहते हुए आज लोकार्पित हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें वीडियो कॉलिंग के द्वारा इसको उद्घाटित किया है, तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, तमाम किसान बंधु को बधाई देता हूँ कि आज इस डैम से हमारे किसान समृद्ध होंगे और आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। इस बात ये हमारा 240 हेक्टर क्षेत्र को जो सिंचित करेगा वो जो 2013 में इसका हमारा निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है और आज ये पूर्ण हो गया और लगभग इसमें हमारे 90 से ऊपर ज़्यादा से किसानों को इस डैम से फायदा मिला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।